हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पुनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में चैप्टर नंबर 6 हॉर्नबिल बुक का, जो एक ड्रामा टाइप चैप्टर है, जिसका टाइटल है द ब्राउनिंग वर्जन। तो ब्राउनिंग वर्जन है वो एक ड्रामेटिक चैप्टर है, एक नाटक के रूप में है। नोटिस करने वाली इसमें जो विशेष बात है, टेरिंस रेटिगन ने इसको लिखा है, इस नाटक को। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर जो व्यक्त किए गए हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, इन्फियर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जो इस संदर्भ में उनका मीनिंग आएगा, रिमूव। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर में रिमूव मीन्स है, जो यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में जब उसको ऊपर की कक्षा में पास आउट कर दिया जाता है, तो यानी मिडल क्लासेज बिटवीन टू क्लासेज, केप्ट इन यानी उसको जारी रखना, सेडियस्ट मीन्स एक अलग ही प्रकार का इसमें मीनिंग आएगा यहाँ चैप्टर में, कि ये सेडियस्ट जैसे दुख होता है, तो पर पीड़िते सुख, यानी जो दूसरों को दुख देता है और फिर अपने आप को खुशी महसूस करता है, उसको कहते हैं सैडिएस्ट। स्लेकर्स मीन्स होता है वीक स्टूडेंट। गॉट कैरीड अवे, जिसको आगे ले जाना, स्टीवल्ड अप एंड मक एंड कट। तो ये इसमें विशेष मीनिंग आएंगे। मक मीन्स लिख लेना गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा। तो ये इसमें विशेष मीनिंग आएंगे इस चैप्टर में। अब लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करते हैं और जो भी हार्ड वर्ड हैं साथ साथ में अपनी नोटबुक में उनको राइट कर लीजिए। दिस इज एन एक्सरेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। एक्सरेप्ट मीन्स लिख लेना पार्टिकल अंश, यानी ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए कंपोजिशन। तो दिस इज एन एक्सरेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। ये एक नाटक है, दो ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया उसका एक अंश है। तो द ब्राउनिंग वर्जन है वो एक काफ़ी लॉन्ग ड्रामा है, उसका केवल यहाँ पर एक अंश है। द सीन इज सेट इन ए स्कूल, और यहाँ पर जो सीन है इस ड्रामा में वो है एक स्कूल का, यानी द सीन इज सेट इन ए स्कूल। दर से एक विद्यालय का है। अब इंट्रोडक्शन होता है ड्रामा के अंदर, तो इंट्रोडक्शन में देखिए कौन कौन इसके करेक्टर हैं। फ्रैंक इज यंग, फ्रैंक एक यंग टीचर है। क्रॉकर हैरिस मिडल एज्ड, और क्रॉकर हैरिस है वो एक अधेड़ आयु का टीचर है। बोथ आर ए मास्टर्स, मास्टर्स मीन्स टीचर्स। तो टू टीचर्स हैं, फ्रैंक इज ए यंग टीचर, क्रॉकर हैरिस इज ए मिडल एज्ड टीचर। टेप्लो इज ए बॉय ऑफ 16, टेप्लो नाम का एक लड़का है जो 16 ईयर ओल्ड है। हु हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, जो कि क्रॉकर हैरिस के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए आया। एक्स्ट्रा वर्क मीन्स लिख लेना अतिरिक्त कार्य, और क्रॉकर हैरिस मिडल एज्ड टीचर है, उसका नाम है। टेप्लो इज ए स्टूडेंट, और इसमें कोई हार्ड वर्ड आया नहीं है, मास्टर्स मीन्स टीचर। नेक्स्ट देखिए, बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, लेकिन बाद में आने वाला क्रॉकर हैरिस है वो अभी तक इस ड्रामा में आया नहीं है।
यानी अभी जब स्टार्ट होगा नाटक तो उसमें क्रॉकर हैरिस का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। एंड फ्रैंक फाइंड्स टेपलो वेटिंग, और फ्रैंक है उन्होंने टेपलो को वहाँ इंतज़ार करते हुए पाया, जो टेपलो एक स्टूडेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो एक सेंटेंस है, बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, ये क्रॉकर हैरिस के लिए है। क्रॉकर हैरिस अभी स्कूल में मौजूद नहीं है, वो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले फ्रैंक आ जाता है और उसके साथ डायलॉग बाजी होती है। तो फ्रैंक है वो आकर पूछता है टेपलो से, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो टेपलो कहता नो सर, नहीं श्रीमान, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। फ्रैंक व्हाट इज योर नेम, तो फ्रैंक सेकंड डायलॉग बोलता है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो टेपलो रिप्लाई करता है कि टेपलो नाम है, माय नेम इज टेपलो। फ्रैंक कहता है टेपलो, नो आई डोंट, टेपलो नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं जानता, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गेदर। साइंटिस्ट मीन्स लिख लेना यहाँ पर साइंस का स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ ए साइंस। तो फ्रैंक कहता है टेपलो नो आई डोंट, मैं भी तुम्हें नहीं जानता क्योंकि यू आर नॉट ए साइंटिस्ट, तुम एक विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो। आई गेदर, जहाँ तक मैं मानता हूँ या समझता हूँ, गेदर मीन्स भी लिख लेना सपोज करना, मैं समझता हूँ वहाँ तक तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। टेपलो कहता नो सर, नहीं सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, नहीं श्रीमान, मैं आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट, मैं अभी तक नीचे की जो फिफ्थ क्लास है उससे नीचे की क्लास में पढ़ता हूँ, यानी आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, मैं नीचली जो पांचवी कक्षा है उसमें पढ़ता हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म दैट इज टू से, मैं विशेष अध्ययन के लिए अगले सत्र तक, इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, तो मैं विशेष अध्ययन के लिए यानी स्पेशलाइज स्टडी के लिए अगले सत्र तक मैं अपने ऐच्छिक विषय नहीं ले सकता, यानी नेक्स्ट टर्म के लिए जैसा मैं चाहूँ तब तक विषय नहीं ले सकता। ड्यू टू, क्यों नहीं ले सकता, इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल ए राइट, यदि मेरा मध्यवर्ती क्लास है ठीक तरह से पूरी हो गई हो तब ले सकता हूँ, वरना मैं ले नहीं सकता। कहने का भावार्थ है, वेन आई पास द फिफ्थ क्लास देन आई टेक ए स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑफ ए साइंस, जब तक मैं पाँचवीं कक्षा को पास नहीं करता तब तक मैं स्पेशल स्टडी के लिए साइंस सब्जेक्ट है वो चूज नहीं कर सकता। तो फ्रैंक कहता है डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा रिमूव तुम्हें मिल जाएगा, रिमूव मीन्स पास हो जाओगे तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा रिमूव तुम्हें मिल गया है या तुम पास हो गए हो, अर्थात तुम रिमूव पास कर चुके हो, ये बात तुम्हें पता है। टेपलो कहता है नहीं श्रीमान, नो सर, मुझे नहीं मालूम, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स, नहीं श्रीमान, क्रॉकर हैरिस अन्य अध्यापकों की तरह हमें परीक्षा परिणाम पहले ही नहीं बताते हैं। तो यानी अदर स्टूडेंट अदर जो टीचर्स हैं वो रिजल्ट है वो पहले ही बता देते हैं स्टूडेंट्स को, बट क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस, हमें नहीं बताते हैं रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर, जो दूसरे अध्यापक होते हैं उनकी तरह क्रॉकर हैरिस है वो हमें रिजल्ट पहले से बताते नहीं हैं। फ्रैंक कहता है
वाई नॉट, क्यों नहीं बताते? टेपलो कहता वेल यू नो, आप जानते हो सर, यू नो वॉट ही लाइक्स ए सर, आप जानते हो कि वो किस प्रकार के टीचर्स हैं। देखिए कोई हार्ड वर्ड नहीं आ रहे हैं इस ड्रामा में कि वेल अच्छी तरह से जानते हो, यू नो वॉट ही लाइक्स ए लाइक सर, कि वो किस प्रकार के टीचर हैं। तो फ्रैंक कहता है आई बिलीव, मुझे विश्वास है। देर इज ए रूलर दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाई द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ ए टर्म। टर्म मीन्स 70, यानी 70 का लास्ट डे जो होता है। तो मुझे विश्वास है या मेरा भी मानना है, मेरा ख्याल है कि देर इज ए रूल, कि एक रूल भी है एवरी स्कूल में कि प्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड, कि परिणाम की घोषणा केवल प्रधानाध्यापक द्वारा की जाती है, वो भी अंतिम दिन घोषित की जाती है सत्र के। तो सत्र के अंतिम दिन घोषित किया जाता है रिजल्ट और वो अनाउंस्ड किया जाता है बाय द हेडमास्टर के द्वारा। इट इज ए रूल। तो टेपलो कहता है यस बिल्कुल, हाँ सर ऐसा रूल तो है, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट। देखिए टेबलो ने कहा लेकिन सर कौन ध्यान देता है क्रॉकर हैरिस के अलावा, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। एक्सेप्ट मीन्स लिख लेना के सिवा, ये बट का जब प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है तब ये यूज होता है और तब इसका मीनिंग निकलता है। बट है वो कंजेक्शन के रूप में यूज होता है तो उसका मीनिंग होता है किंतु परंतु लेकिन, बट प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है तो उसका मीन्स होता है एक्सेप्ट के सिवाय। अटेंशन मीन्स लिख लेना ध्यान देना। तो टेपलो कहता कि सर रूल तो है लेकिन श्री क्रॉकर हैरिस के अलावा अन्य कौन अध्यापक इस नियम पर ध्यान देता है, यानी कोई नहीं देता है छोड़ के मिस्टर क्रॉकर हैरिस को। फ्रैंक आई डोंट, आई एडमिट, मैं मानता हूँ कि मैं ध्यान नहीं देता, यानी टीचर हिमसेल्फ एक्सेप्ट द टॉक अबाउट ए टेपलो दिस रूल। तो फ्रैंक खुद उस रूल के बारे में स्वीकार करता है कि आई डोंट आई एडमिट, मैं ध्यान नहीं देता ये बात मैं मानता हूँ, बट दैट इज नॉट क्राइटेरियन, लेकिन ये कोई एक क्राइटेरियन नहीं है। क्राइटेरियन मीन्स लिख लेना आधार, एक आकलन करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है। तो ये कोई क्राइटेरियन तो नहीं है लेकिन ये कोई आधार नहीं बनता। सो यू हैव गॉट टू वेट, इसलिए आपको अपने परिणाम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। टुमारो टू नो, कल तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा योर फेट, कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। हैव यू, क्या तुम इंतज़ार करोगे? तो यानी टेपलो कहता है कि कोई टीचर इस रूल पे ध्यान नहीं देता, फ्रैंक स्वीकार करता है लेकिन वो कहता है कि कोई आधार नहीं है, इसलिए अपना परिणाम जानने के लिए तुम्हें कल तक इंतज़ार करना ही होगा, क्या तुम इंतज़ार करोगे? तो टेपलो जवाब देता है फ्रैंक के स्टेटमेंट का, यस सर, हाँ श्रीमान मैं इंतज़ार करूँगा, आई वेट टिल टुमारो। फ्रैंक ने फिर जवाब दिया सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, सपोजिंग करो कि रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आ जाए। फेवरेबल मीन्स पक्ष में आ जाना, मीन्स लिख लेना फेवरेबल मानी आपके पक्ष में आना, सपोजिंग मानी मान लेना। वोट देन, तो फिर क्या करने का विचार है तुम्हारा? सपोज करो टुमारो यू विल पास द फिफ्थ क्लास एंड आफ्टर वोट टू डू, इसके बाद तुम क्या करोगे? तो टेबलो कहता ओ अरे सर साइंस सर ऑफ कोर्स, तब तो मैं निश्चित रूप से साइंस ही लूँगा सर, यदि मैं कल पास हो गया
तो मैं साइंस ही लूंगा। तो देखिए नेक्स्ट, फ्रैंक सैडली दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। सैडली मीन्स यहाँ लिख लेना निराश हो जाना। यस वी गेट ऑल द स्लेगर्स। फ्रैंक निराशा के साथ कहता हमें तो हमेशा वीक स्टूडेंट ही मिलते हैं। स्लेकर्स मीन्स लिख लेना वीक स्टूडेंट, पिछड़े हुए छात्र कक्षा में। तो वी गेट ऑल द स्लेकर्स, हमारे पास दो वीक स्टूडेंट ही आते हैं लगभग। टेपलो प्रोटेस्टिंगली, तो टेपलो फ्रैंक की इस बात का प्रोटेस्टिंगली करता, विरोध जताता है, विरोध करना, और कहता आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। सर मेरी विज्ञान विषय में बहुत अत्यधिक रुचि। एक्सट्रीमली मानी वेरी मच, इंटरेस्टेड मीन्स रुचि होना, साइंस मीन्स विज्ञान। विज्ञान में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है श्रीमान, ऐसे कैसे कह सकते हो? बहुत रुचि है मेरी, मैं फिजडी या वीक स्टूडेंट नहीं हूँ। फ्रैंक आर यू, आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। तो कहता है तुम इतनी रुचि रखते हो, नॉट एट लीस्ट इन साइंस आई हैव टू टीच, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम उस विषय में जो विज्ञान में मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो आर यू यानी क्या तुम्हें रुचि है, बट आई एम नॉट, आई यूज हुआ है टीचर्स जो उनका फ्रैंक टीचर है उनके लिए, आई एम नॉट, मुझे रुचि नहीं है। नॉट एट लीस्ट, एट लीस्ट मानी कम से कम उसमें तो नहीं है, उस विज्ञान में तो आई हैव टू टीच, जो मुझे पढ़ानी पड़ती है। टेपलो कहता वेल एनी वे सर इट इज ए गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक इंडिकेटिंग हिज ए बुक। इंडिकेटिंग मीन्स इशारा करना, अपनी पुस्तक की तरफ इशारा करते हुए टेपलो कहता है कुछ भी हो सर, इस कचरे से तो विज्ञान काफ़ी ज़्यादा रोचक है। मक मीन्स लिख लेना गार्बेज, कचरा। इट इज ए गुड डील, अच्छी है, मोर एक्साइटिंग, अत्यधिक रुचिकर है। तो कुछ भी हो, इस कचरे से तो विज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक है। कचरा किसको कह रहा है? टेपलो के हाथ में एक जो बुक है उसकी तरफ इशारा करके कहता है। तो फ्रैंक कहता है व्हाट इज दिस मक, ये कचरा किसको कह रहे हो, क्या है कचरा, ये कचरा क्या है? तो टेपलो है वो उस किताब की तरफ जिसकी तरफ इशारा किया था उसका नाम बोलता है कि एस्काइलस है सर, ये एस्काइलस सर। और ये जो आगे आर्टिकल द यूज करके देखा है, ये एक व्यक्ति की जो सेनापति है ट्रॉय के युद्ध में, जो यूनानी सेना का सेनापति था, उसका नाम है। तो कहता है कि ये एस्काइलस है सर, जो एगो मेमोनॉन है, एगो मेमोनॉन। तो द एगो मेमोनॉन है, ये कचरा है। तो फ्रैंक कहता है एंड यू कंसिडर्ड यू इज द एगो मेनन इज मक, और तुम्हारा निर्णय यही है कि एगो मेनोनन है वो कचरा है। तो एगो मेनन इज ए गार्बेज यानी यूजलेस बुक, एक कचरा है क्या ये? तो टेपलो कहता है वेल नो सर, नहीं श्रीमान, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं नहीं सोचता कि ये नाटक एक कचरा है। प्ले मीन्स लिख लेना यहाँ पर नाटक, और मक मीन्स कचरा। तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि ये नाटक एक कचरा है,
एग्जैक्टली माने वास्तविक में, असलियत में, रियली, आई सपोज इन ए वे इट इज रेदर ए गुड प्लॉट रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल ए दैट। मैं तो बल्कि ये मानता हूँ कि ये एक अच्छी कहानी है, एक पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या और इस तरह की बातें हैं इस नाटक में। इट इज़ रेदर ए गुड प्लॉट, तो ये एक अच्छी कहानी है जहाँ पर एक वाइफ मर्डर कर देती है अपने हस्बैंड का एंड ऑल दैट और इस तरह की बातें इसमें। आई ओनली मिंट, मेरा कहने का मतलब केवल ये है सर, इट इज़ ए टॉट टू अस कि ये हमें जिस तरीके से पढ़ाई जाती है ना, तो देखिए स्टूडेंट है वो किस पे प्रत्यारोपण करता है, किस पर ब्लेम करता है, इस तरह की बातें कि मैं तो सिर्फ उस तरीके को पसंद नहीं करता सर जिस तरीके से हमें ये पढ़ाई जाती है। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड, इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड आते हैं, स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, एक दूसरे से ढेरू यूनानी शब्द हैं, अगर उन्हें पढ़ने लिखने में कोई भी गलती हो जाती है तो सजा के तौर पर उन्हें 50 बार लिखने की मजबूरी। तो ग्रीक वर्ड्स हैं वो यूनानी वर्ड्स इस तरह से एक दूसरे से स्ट्रंग हैं, स्ट्रंग मीन्स गुथे हुए हैं, उलझे हुए हैं, कि 50 लाइन्स में इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, यदि एक बार आपसे कोई गलती हो जाए तो उन शब्दों को आपको 50 टाइम्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो आई डोंट लाइक द वे ऑफ ए टीचिंग, यानी मैं जो पढ़ाने का तरीका है उससे मैं बोर हो जाता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। तो फ्रैंक कहता है यू साउंड ए लिटिल बिटर, तुम्हारे भीतर कड़वाहट भरी लगती है टेपलो, बिटर मीन्स लिख लेना कड़वाहट, तुम्हारे भीतर कड़वाहट है। टेपलो कहता है आई एम रेदर सर, हाँ श्रीमान कड़वाहट तो है। फ्रैंक कहता है कैप्टन ए, ओ फ्रैंक है वो कहता है क्या आज सजा देने के लिए तुम्हें स्कूल में ही रोका गया है। केप्ट इन यानी टू स्टॉप इन द स्कूल फॉर पनिशमेंट, कि तुम्हें सजा देने के लिए आज स्कूल में ही रोका गया है। टेपलो कहता नो सर, नहीं श्रीमान, एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त काम के लिए मुझे स्कूल में रोका गया है, यानी एक्स्ट्रा वर्क टू स्टॉप फॉर ए स्कूल, स्कूल में रोका गया मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। फ्रैंक कहता एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क अतिरिक्त काम के लिए, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, वो भी स्कूल के आखिरी दिन, स्कूल का जो लास्ट डे है, फिर ये टर्म यानी ये सेशन है ये सत्र पूरा हो जाएगा और फिर आपको रोका गया, लास्ट डे आपको स्कूल में रोका गया। टेपलो कहता यस सर, हाँ सर मुझे रोका गया लास्ट डे स्कूल में फॉर द एक्स्ट्रा वर्क, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, वरना इस समय मैं गोल्फ है वो खेल रहा होता, गोल्फ इज द नेम ऑफ ए गेम, प्लेइंग मीन्स खेलना, माइट मीन्स हो सकता है। हाँ श्रीमान मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए रोका गया, वरना इस टाइम तो मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही वुड हैव एनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, आप सोचते होंगे कि श्री क्रॉकर हैरिस को बहुत काम करने होंगे, बहुत काम करने होंगे उसको, कंसिडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड, बट ओ नो आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक व्हेन आई वॉज इल, सो हियर आई एम एंड
लुक एट द वेदर सर। तो श्री मान जो क्रॉकर हैरिस है को बहुत काम करने होंगे क्योंकि वे अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं, वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। बट ओ नो आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक, लेकिन नहीं नहीं पिछले सप्ताह बीमार होने के कारण मैं एक दिन गैर हाजिर हो गया था। आई एब्सेंट फ्रॉम ए डे लास्ट वीक व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार हो गया था तो लास्ट वीक में मैं एक दिन एब्सेंट हो गया था। सो हियर आई एम, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और श्रीमान जरा इस मौसम को तो देखिए, वेदर इज़ वेरी फाइन। तो लास्ट वीक में मैं एक दिन एब्सेंट हो गया था, इसलिए टेपलोन कह रहा है कि मुझे क्रॉकर हैरिस ने रोक लिया। ये नहीं कि वो हमेशा के लिए जा रहा, तो उसे बहुत सारे काम हैं। यानी क्रॉकर हैरिस का ट्रांसफ़र इस स्कूल से हो चुका है, तो वो हमेशा के लिए इस स्कूल को छोड़कर जा रहा, इसलिए मुझे नहीं बुलाया। बल्कि लास्ट वीक आई एब्सेंट ए डे ड्यू टू इल, बीमार होने के कारण पिछले सप्ताह वो स्कूल से एब्सेंट हो गया था, इसलिए मुझे वहाँ से रुकना पड़ा एक दिन। फ्रैंक कहता है बैड लक, दुर्भाग्य की बात है। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन एक बेनिफिट भी है। कंफर्ट मीन्स लिख लेना यहाँ पर कि एक फ़ायदा भी है, बेनिफिट भी है। यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट, क्या फ़ायदा है कि प्रीटी वेल सर्टेन, तुम्हें पक्का विश्वास है कि यू रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तुम्हें पक्का विश्वास है कि टुमारो तुम्हें मध्य कक्षा से पास कर दिया जाएगा, क्योंकि आज अतिरिक्त काम करके तुम उसकी नज़रों में एक गुड स्टूडेंट बन गए हो। बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, एक अच्छे स्टूडेंट बन गए हो आप, इसलिए आपको एक्स्ट्रा काम करने से आपको कल पूर्ण रूप से निश्चित रूप से विश्वास है कि तुम्हें मध्य कक्षा से पास कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है फ्रैंक ने टेपलर को बताया। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे टेपलो इस बात का क्या जवाब देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।